बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं अनिला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनिला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में मेरी सिग्नेचर फ्रूट चाट रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी है। तो रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करिए। ओके जी, यहाँ पर मैंने वो तमाम फ्रूट्स ले लिए हैं जो मुझे पसंद है। आप अपने पसंद के मुताबिक फ्रूट सेट कर लें। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, जो कि मैंने बॉयल और कट कर लिए हैं। चने ऐड करेंगे बॉयल किए हुए 1 कप, आलू भी 1 कप मैंने ऐड किए हैं। अमरूद ऐड कर देंगे 1 कप कट किया हुआ। ग्रेप्स ऐड कर देंगे, आप ग्रीन ग्रेप्स भी यूज़ कर सकते हैं 1 कप। 1.5 कप मैं सेब यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, इसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। केला ऐड कर देंगे 1 अदद ही, मेरे पास बड़ा था तो मैंने वो ऐड कर दिया है, आप 2 छोटे भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर अनार ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने पुदीना कट करके ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। शुगर ऐड करेंगे 4 टीस्पून। ये बहुत ही ज़बरदस्त चाट तैयार होती है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो अच्छी तरह से इन तमाम स्पाइसेस के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप भी सोचते होंगे कि फ्रूट चाट में आलू और चने, लेकिन आप यकीन करें इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून टैंग के, आप कम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो टैंग यूज़ किया है वो ऑरेंज फ्लेवर में है, तो आप ऑरेंज फ्लेवर ही यूज़ करिएगा, बाकी कोई फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। तो 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। चाट मसाला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा ही करें तो बेहतर है, कम ना करें। यहाँ पर मैंने 1 कप फ्रेश ऑरेंज जूस निकाला था, तो वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज जूस नहीं है तो आप उसकी जगह 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लें जी, मिनटों में होगी है शानदार किस्म की फ्रूट चाट हमारे यहाँ पर तैयार। तो ज़रूर ट्राई करें इसको रमज़ान में, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करें। देखें बहुत ही ज़बरदस्त और कलरफुल लग रही है। अभी इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो बहुत ही प्यारे से बाउल में हमने इसको कर लिया है डिश आउट, जिससे इसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।